लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। एलजी जरा इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। एलजी मैडम आप क्यों यहाँ प्रोटेस्ट करो और आपने रोटियां वोटियां साथ लाई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको 3 साल प्रोटेस्ट करते, आपको पता है अलग अलग तरीकों से आप हम प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन गवर्नर और फारूक साहब को जैसे नींद है उनको दिखाई नहीं देते, हम क्या तमाशा करने आते हैं? देखो हमने रोटी लगाया, क्यों लगाया? क्यों हम भूखे हैं? हम भूखे, हमारे बच्चे भूखे हैं, हमारे माँ बाप भूखे हैं, अब कहाँ जाएंगे इस महंगे जमाने में, कहाँ जाएंगे, अब क्या करेंगे हम? प्लीज प्लीज करते अपील करते हैं गवर्नर साहब को और फारूक साहब को, प्लीज फारूक साहब हमारा ये मसला हल करो। अगर ये पोस्ट सेंक्शन ही नहीं है तो आपको लगाना है ना हेल्पर, आपको लगाना है ना वर्कर, हमारा पैसे, हमारा ही मसला हल करो, हमारा ही मसला हल करो। आपको तो डिसएंगेज किया गया है शायद, लेकिन कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया, सिटी ऑर्डर लगा दिया, कोर्ट ने हमको ये दिया, ये ऑर्डर दिया है इनको तनख्वाह गुजार करो, इनको ड्यूटी पे लो, नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। अगर इनको नया लगाना है तो हम पुराने 20-20 साल से इसमें काम करते हैं, हम कहाँ जाएंगे, कहाँ लगाने देंगे इनको नया? नया कर दो उसी में। मैडम आप बोल दीजिए, आप जी। हाँ अपना बोले मैडम, बोले नाम बताइए और क्यों प्रोटेस्ट कर जी हम ICDS डिपार्टमेंट से हैं और हम हेपेटाइटिस सुपरवाइजर्स हैं, हम तरह तरह से यहाँ पे प्रोटेस्ट करते आ रहे हैं, हमें 3 साल हो गए, हमारी पे बंद थी तो उसमें हमने किया काम, हमने कोर्ट का रुख कर दिया, कोर्ट वालों ने ऑर्डर दिया कि इनकी तनख्वाह वागुजार कर दो, जो ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया उन्होंने हमें डिसंगेज कर दिया, डिसंगेज करके हमें कोर्ट ने फिर से ऑर्डर दिया कि हम इनको 15 दिन का मौका दे रहे हैं, ये हमारी तनख्वाह आपकी तनख्वाह वागुजार कर दें और खास कर दे काम ये कि आपको अपने पोस्ट पे वापस ले लें, लेकिन ये कर नहीं रहे हैं। अभी नए पोस्ट निकल रहे हैं हेल्पर्स वर्कर्स के, सुपरवाइजर्स के, हम इतने हैं, इनको और लगाने हैं, इससे अच्छा है 5,000 लगाने, उससे अच्छा है कि 918 लड़कियां हैं इसमें, उनको एडजस्ट कर दो। अब कितने सालों की तनख्वाह आपकी बंद पड़ी है? 3 साल से। अब चाहते हैं बस तनख्वाह, नहीं तनख्वाह वागुजार कर दी जाए और हमें अपने पोस्ट पे वापस बुला लिया जाए। अगर इनको वैकेंसी नहीं है उसमें, इनको मतलब उसमें हमारी सैंक्शन पोस्ट नहीं थे, तो हमें ये कर दिया जाए कि हमें जो ये नए आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स सुपरवाइजर्स के पोस्ट निकले हैं, हमें अकॉर्डिंगली क्वालिफिकेशन के मुताबिक हमें अपने उन पोस्ट में एडजस्ट कर दिया जाए। शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू।